Evolution and fuel saving for all automotives. Save fuel up to 20% and Evolution 50 to 70%. Wait for Pan India launch. दिल्ली NCR में गुरुवार को रात भर झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम तो सुहावना हो गया लेकिन ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पहले से ही गुरुवार और शुक्रवार को बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जाहिर कर दी थी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। आइए देखते हैं दिल्ली का ये ठंडा ठंडा मौसम यहाँ के लोगों को कितना भा रहा है। थोड़ा वो जाम वाम मिल जाता है रास्ते में, बाकी तो सब ठीक है। और फोग वगैरह, और जैसे जहाँ कच्ची सड़कें हैं वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। मौसम एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। नहीं, मौसम बढ़िया है, मौसम बढ़िया है। मौसम तो चेंज होना चाहिए ना। मौसम चेंज नहीं होगा तो पृथ्वी का संतुलन कैसे बनेगा? संतुलन के लिए मौसम चेंज होना बहुत जरूरी है। मैम देखिए, मौसम तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है। आप भी जानते हैं कि जो पहले सर्दियां स्टार्ट होती थी, आप भी हम लोग जानते थे कि दिवाली तक सीज़न आ जाता है सर्दी का मौसम, और ये फरवरी लास्ट तक रहता है। पर लोग बताते हैं कि 26 जनवरी तक मौसम का एंड हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। मौसम तो ठीक है, और अभी क्या हम लोगों ने नाम दे दिया पोल्यूशन का, पर ये बात है ये फॉग भी तो है। लेकिन चिंता की बात यह है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता कुछ दिनों से लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिससे लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। गुरुवार शाम को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 429 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे शहरों का भी यही हाल रहा। गाजियाबाद में 467, नोएडा में 434, ग्रेटर नोएडा में 423, फरीदाबाद में 410 और गुरुग्राम में 395 AQI दर्ज किया गया। नहीं, ऐसा ठंड तो पड़ेगी, समय से अपना ठंड पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ती है ठंड। तो मौसम सही है? ये मौसम सही है, हर एक जगह बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है कोई की जगह पे नहीं बारिश हो रही है, बारिश सभी जगह हो रही है। हम तो है ही खराब, काफ़ी ठंड है, काफ़ी ठंड है। हाँ, तो दिक्कत हो रही है इस ठंड से? हाँ जी, दिक्कत है जी, दिक्कत है। हाँ, काम धंधे में दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को तापमान में और गिरावट आएगी, इसलिए अब बढ़ती ठंड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सर्दी तो अब बढ़ती ही जाएगी। आप बस मजा लीजिए गरम गरम चाय और मूंगफली का। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए खुशबू शर्मा की रिपोर्ट।